हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं नीतिका शेखो एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं और मेरे बच्चे हैं बहुत खुश, क्योंकि खुशी का राज ये है कि हम लोग जा रहे हैं अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि मेरे मायके वाले आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो जी हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि वो सभी है मेरे सब्सक्राइबर्स भी। और तीसरी खुशी की बात यह है कि हम जिससे जा रहे हैं उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। हम लोग जा रहे हैं आज ट्रैक्टर ट्राली से, क्योंकि ना तो मेरे बच्चे कभी उसमें गए और मैं कभी छोटी होंगी तब गई होंगी। जब से बड़ी हुई हूँ तब से मुझे याद नहीं कि हम कब गए थे। तो जी हम लोग हैं बहुत खुश इस चीज से। और जी चलिए करेंगे बहुत इंजॉय। और जी आज आपको भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो जी चलिए और जी आज के नए व्लॉग का आनंद लीजिए हमारे साथ में। हेलो। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार में और हम लोग उतर रहे हैं खिचड़ी वाले बाबा जी के आश्रम में। तो देखिए कितना मन लगा हम सबका यहाँ पर। और गाइस हमने बहुत एंजॉय किया रास्ते में, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और जी बच्चे भी बहुत खुश थे। पहले तो हमें थोड़ा डर लग रहा था कि शायद धूप होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। गाइस जब अपनी फैमिली साथ में होती है तो बहुत अच्छा लगता है अपनों से मिलकर। और जी आप सब समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए उसके मायके वाले क्या होते हैं। तो जी देखिए हम सब कितने हैप्पी हैं यहाँ पर आकर। हम लोग उतरने वाले हैं। आओ भाई उतर रहे हैं। जी भी बात में लगते हुए उतर रही है। देखिए
है खिचड़ी वाले बाबा जी का आश्रम, चलिए जी आपको दिखाते हैं। देखिए जी हमारा छोटा सा बेबी फर्श से उठने का नाम ही नहीं ले रहा, इसका तो मन ही लग रहा है यहाँ पर फर्श पर बैठ कर। तो भाई चलिए दिखाते हैं हम आपको, चलो जी चलो। भाई ये है खिचड़ी वाले बाबा जी का आश्रम। तो गाइस ये है खिचड़ी वाले बाबा जी का आश्रम। इधर ही सारे चलते उधर की साइड, उधर साइड में बैठे हैं लंगर चाय पानी के लिए। तो गाइस देखिए ये होती है सेफ्टी मामी भांजी की, जिससे आगे क्योंकि भीड़ मिलने वाली है बहुत ज्यादा गंगा घाट पर, तो जी जिससे बच्चे एक दूसरे से अलग ना हो जाए, ये इसलिए हम सभी ने थोड़ा थोड़ा जुगाड़ अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कर लिया है। तो गाइस देखिए हम लोग जा रहे हैं मुंडन कराने के लिए गंगा जी पर, गंगा घाट पर, वहां पर होगा हमारे बेटे का मुंडन। और जी अभी तो वो हैप्पी है, लेकिन जब उसके बाल कटेंगे ना तब देखना वो कितना रोएगा। चलिए जी दिखाते हैं। ये यहाँ को ट्रेन भी जा रही है पास में कोई, और भी हम लोग को चुके हैं की पैड़ी पर पहुँचने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना मन को सुकून दे रहा है यहाँ का हरा भरा नज़ारा, और भी जगह जगह जूस वगैरह के स्टॉल लगे हुए। ये गंगा जल के लिए बोतलें, और ये कितनी प्यारी प्यारी दुकानें सजी हुई है यहाँ पर। देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे टेडी बियर्स, ऐसा शायद मनसा देवी माता के पास जाने का, मनसा देवी के पास जाने का ही पैदल वाला, अच्छा पैदल वाला रास्ता है। और जी झूलों से तो आगे से जाता है रास्ता। देखिए ऊपर काफी ऊंचाई पर है माता मनसा देवी का मंदिर।
तो गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं गंगा घाट पर, गंगा मैया के दर्शन कीजिए, जय गंगा मैया की। और जी अब यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और जी अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। मेरा भतीजा है, मेरे भाई का छोटा बेटा, वो भी 6 महीने का ही हुआ है जी। चलिए जी दिखाते हैं आपको भी सब कुछ। हाँ बाद में लेंगे बाद में। देखिए गाइस सभी स्नान कर रहे हैं जगह जगह। तो गाइस देखिए सभी जगह जगह स्नान कर रहे हैं, हर की पैड़ी पर इतना मतलब गंगा मैया के पास आकर ठंडी ठंडी फील हो रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। चलिए जी दिखाएंगे सभी आपको। देखिए जी अभी पता नहीं किस जगह जाकर स्नान करेंगे, सभी आगे जा रहे हैं। हाँ शायद यहाँ पर रूम वगैरह लेंगे, भी देखते हैं जी दिखाएंगे। तो गाइस देखिए हम लोग आ गए हैं गंगा घाट पर और जी अब स्नान के लिए हम लोग हो चुके हैं तैयार। देखते हैं कहाँ को जाकर हमें मिलती है जगह स्नान करने की। समझ में भी नहीं आ रही है राजस्थानी वगैरह। तो भाई देखिए हमारे बेबी के कट रहे हैं बाल, हो रहा है कितना देखिए हमारा बेबी कितने आराम से कटवा रहा है बाल और कुछ तो भी नहीं कर रहा, बच्चे इतने आराम से नहीं कटाते लेकिन ये तो बड़ा हैप्पी हो रहा है। देखो जी हो गया है इसका मुंडन और कट चुके हैं इसके बाल। लो जी देखिए हमारा बेबी कितना प्यारा लग रहा है बाल कटकर।
गंगा मैया।